ফ্রেন্ডস, আপনি কি থাইরয়েডের পেশেন্ট? তাহলে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, ভিডিওটা শুধুমাত্র আপনার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ফ্রেন্ডস, আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো বাবা রামদেবের কয়েকটা সহজ কয়েকটা ব্যায়ামের স্টেপ, যার সাহায্যে আপনি খুব সহজেই আপনার থাইরয়েড রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, নয়তো কোনো স্টেপ আপনি মিস করে যেতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। তার আগে ফ্রেন্ডস, এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই এইরকমই হেলথ রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে সমস্ত ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশান আপনার মোবাইলে আপনি খুব সহজেই পেয়ে যান। তো ফ্রেন্ডস, চলুন শুরু করা যাক। থাইরয়েড কি সমস্যা ও উসকে লিয়ে উপচার, যোগ মে ক্যা সাধন হ্যাঁ জিনকে দ্বারা আপ থাইরয়েড কি সমস্যা কা কোই স্থায়ী সমাধান ঢুঁড় সকতে হ্যাঁ। ক্যোঁকি জো আজ মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স মে থাইরয়েড কে লিয়ে অটোক্সিন আদি দবাইয়াঁ লি জাতি হ্যাঁ, উনকো জিন্দগি ভর লেনে কে বাবজুদ ভি व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता। थायराइड के लिए दवा ली जा रही है, थायराइड का फंक्शन थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन फिर भी उस अल्ट्रोक्सिन के इतने साइड इफेक्ट आ जाते हैं कि व्यक्ति निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और थायराइड के कारण होने वाले शरीर के अंदर जो विकार हैं उनसे संतप्त हो जाता है। तो आपको हम योग की उन क्रियाओं का अभ्यास बताते हैं जिनको करके आप थायराइड के रोग से सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इस थायराइड के संबंध में। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आहार को थोड़ा नियंत्रित करें, खट्टी चीजों को खाना बंद करें, तली हुई चीजें भी बंद कर दें और फिर करें आप उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाएं, श्वास को अंदर भरेंगे, गले का आकुंचन करते हुए, गले को सिकोड़ते हुए, जैसे आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन मुट्ठी पर होता है, इसी तरह से जब आप ये प्राणायाम करेंगे उज्जायी, उस समय आपका पूरा कंसंट्रेशन गले पर हो और गले के अंदर एक आकुंचन हो, और जब गले का आकुंचन करते हुए श्वास को आप भीतर भरेंगे तब एक ध्वनि होगी आपके गले से इस प्रकार की। और पूरा श्वास अंदर भरने के बाद थोड़ी देर जालंधर बंध लगा करके श्वास को अंदर ही रोके आभ्यंतर प्राणायाम, कुंभक किया, कुंभक करने के बाद में दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिनी नासिका को बंद करके धीरे धीरे बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः एक बार करें, श्वास को भीतर भरेंगे गले का संकोच करते हुए, तो एक ध्वनि होगी जैसे आप एक छोटी ध्वनि पहले पैदा करें गले से इस प्रकार, और इसी ध्वनि में जब निरंतरता आती है तब होता है यह उज्जायी प्राणायाम इस प्रकार से। पूरा श्वास जब अंदर भर जाता है तब कुंभक करते हैं जालंधर बंध लगा करके, और यथाशक्ति रोकने के उपरांत फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह से किया जाता है ये उज्जायी प्राणायाम। पहले दिन आप 3 बार करें, प्रारंभ में जब आप करेंगे तो गले में थोड़ी खांसी सी होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो आप निर्विघ्नता के साथ कर सकेंगे ये उज्जायी प्राणायाम। 3 बार से लेकर के फिर अभ्यास बढ़ाएं, इसको 11 बार तक करें ये व्यक्ति जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। इस प्राणायाम के करने से थायराइड की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा, साथ ही जिनको रात को खर्राटे आते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद तो चैन से सोते हैं लेकिन पड़ोसी की नींद आराम रखते हैं, उनको भी पूरा लाभ मिलेगा इस उज्जायी प्राणायाम के करने। उज्जायी
हृदय प्राणायाम के करने से स्नोरिंग की प्रॉब्लम, खर्राटे की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है और गले से संबंधित अन्य व्याधियां, कफ और एलर्जिक प्रॉब्लम भी दूर होती है। अस्थमा में भी लाभकर्ता है उज्जायी प्राणायाम और हृदय रोगों के लिए भी लाभप्रद है उज्जायी प्राणायाम। फिर से एक बार देखें, श्वास अंदर भरेंगे, गले से एक आवाज होगी, एक साउंड होगी, एक ध्वनि होगी इस तरह से। अंदर रोकने के बाद छोड़ते समय दाहिने नासिका को बंद करें, दाहिने हाथ के अंगूठे के माध्यम से और बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। यह हुआ उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जायी प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण औषध का काम करता है, लेकिन इसको ठीक रीति से करना। श्वास को बाहर निकालते समय जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो ठीक नहीं। श्वास को भीतर भरते समय ध्वनि होगी, यह सम्यक विधि है इस उज्जायी प्राणायाम की। সো ফ্রেন্ডস, আমার মনে হয় যে আপনারা এই সহজ কয়েকটা স্টেপ বুঝতে পেরে গেছেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের বিষয়। বিষয়টা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, উপকারে লেগে থাকে, তো অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো। আর কোনো জায়গায় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো কিছু জানার থাকলে তো অবশ্যই কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তাছাড়াও আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে যেখানেতে আপনারা জানাতে পারেন, যেটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আর ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা শেয়ার করার দায়িত্বটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম, কারণ এখনকার বেশিরভাগ মানুষই থাইরয়েড রোগের পেশেন্ট হয়ে গেছেন। তো ফ্রেন্ডস, যতটা পারবেন ততটাই শেয়ার করে দিন। ফ্রেন্ডস, আমি থাইরয়েড রোগ সম্পর্কে এবং থাইরয়েডের মেডিসিন সম্পর্কে আরও কয়েকটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম। যারা এখনও পর্যন্ত ওই ভিডিওগুলি দেখেননি, তারা ঠিক ভিডিওর নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ওই ভিডিওগুলি দেখে নেবেন। সো ফ্রেন্ডস, আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। জয় হিন্দ। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।